हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय डिजिटल शो। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसन मेकर सेल्फ यूनिक। आप सब में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज के टाइम पे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं किए होते हैं, या फिर किए होते हैं तो भूल जाते हैं। बट अब उनको कैरियर बनाना है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर। सबको इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर में, लेकिन वो सोचते हैं यार मेरा ना सोम क्लियर नहीं था, या फिर सोचते हैं कि यार मेरा मैनुअल तो मैंने RCC अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, तो फिर अब क्या मैं स्ट्रक्चर में जा सकता हूँ? नहीं सर, मुझे कुछ मॉडलिंग वाला कुछ बताइए, क्योंकि चाहता तो हूँ स्ट्रक्चर में जाने के लिए, बट कॉलेज के कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ, मैनुअल भूल चुका हूँ, सेस्मिक एनालिसिस, विंड एनालिसिस सब भूल चुका हूँ। कुछ ऐसा तरीका है क्या कि जिसको करने के बाद कंप्लीट क्लियर हो जाए आपका जो मैनुअल कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए लगती है? मैंने कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी क्या रूल हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या सर? यस, आज का वीडियो इसी पर बेस है। गाइस, आप सबके लिए कुछ अच्छा सा आपको मैं बता रहा हूं। ये कोई किसी वीडियो को मतलब किसी बुक का स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद मेरा खुद का स्ट्रक्चर का बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गाइस, पहली बार में समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार में जब पढ़ने लगा मुझे याद आया कि अच्छा कॉलेज में ऐसे पढ़ता था, भूल गया था। पूरा का पूरा आपको मैनुअल डिजाइनिंग एक पूरी बिल्डिंग का, और एक नहीं कई ढेर सारे एग्जांपल है, एक तो मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, और साथ ही साथ SFD, BMD वो सब कुछ मेरा क्लियर हो गया। विंड एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस जो मैनुअल मतलब पढ़ना था वो कॉलेज में सही से नहीं पढ़ा था, रिटन एग्जाम किसी तरीके से निकाला था, वो सब कुछ क्लियर हो गया। वो कौन सी बुक है गाइस? तो बुक है ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बुक का अगर आपको मैं बात करूं तो मैं हर बार इस बुक का रेफरेंस देता हूं कि डिजाइन ऑफ रेनफोर्स, इलस्ट्रेटेड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग, G+3 का कंप्लीट बिल्डिंग मैनुअल डिजाइन करके से बताया गया है। एक एग्जांपल नहीं, इसमें दसों एग्जांपल है। कैसे इसका अगर आप लोग थोड़ा सा भी मतलब एक बार भी सही से पढ़ के गए ना, तो मैनुअल आपका कोई भी मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर का डिजाइन है, एनालिसिस है, लोड्स के बारे में पूरा बताया हुआ है, एक्शन ऑफ लोड्स, कौन कौन से तरह के लोड्स लगते हैं, डिजाइन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हुआ है इसमें, लोड कौन कौन से होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, सारे लोड डिस्कशन हुए हैं इसके अंदर। मैं इस बुक की जितनी बड़ाई करूँ, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया है इसमें, और इसके साथ मेथड ऑफ एनालिसिस के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वो बताया गया है इसके अंदर, सिंगली बीम, डबली बीम, सियर, टॉर्जन, बॉन्ड सब के बारे में, कॉलम का स्पेशली डिजाइन, रेनफोर्स डिजाइन, फुटिंग का, स्लैब का, ये सब कुछ, आइसोलेटेड फुटिंग का, कंबाइंड फुटिंग का, ये इतना सब कुछ है इस बुक के अंदर गाइज, कि मतलब जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था कॉलेज के बाद तो मुझे बहुत मजा आया था। फिर मैंने इसको दोबारा जब पढ़ा तो एकदम पूरा क्लियर हो गया। पहली बार थोड़ा सा ना ऐसे कुछ चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही थी, तो दूसरी बार में एकदम फिक्स क्लियर हो गया। तो आप सब में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑल इन वन वाला कोर्स लिया होगा, उनको भी मैं जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करता हूँ काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके बेस पे है, ठीक है? जो आपका मैनुअल डिजाइन वाला पोर्शन है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इसी बुक से हैं, ठीक है? क्योंकि बुक है ही इतना बेहतरीन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे इसी में करियर बनाना है सर, व्हाइट कॉलर जॉब है, ऑनलाइन घर पे बैठे हम सब कुछ सीख सकते हैं, यह सब कुछ सीख सकते हैं। मैंने तो सोचा था इसकी समरी का भी कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत बड़ा है गाइस, इसको अगर मैं बनाने लगूँ कम से कम 250 से 300 घंटे लगेंगे इसको बनाने में, ठीक है? इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार इतना टाइम नहीं, एक मिनट से बुक रख देता हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका सर समरी थोड़ा बताइए, या फिर समरी एक एक चैप्टर का कुछ ऐसा बताइए, तो आप लोग नीचे बताना, अपनी राय देना कि हाँ सर मुझे ना ये बुक पे पढ़ रहा था, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अगर थोड़ा थोड़ा आप समराइज कर देंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि हाँ पार्ट में समराइज किया जा सकता है, एक साथ समराइज करना पॉसिबल नहीं है इसमें। पहले मैंने सोचा था कि एक बार में पूरा समरी बनाऊँ, फिर मैं सोचा कि इसमें क्या क्या कवर करूँगा एक आधे घंटे की वीडियो में, तो आधे घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 250 से 300 घंटे का कंटेंट है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी थोड़ी सी समराइजेशन करूँ तो फिर बताइएगा, ठीक है? अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन पॉइंट्स है इसके उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करूँ। और जितने भी लोग दिवाली के दिन, अभी मतलब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के टाइम पे जो भी लोग इसको यूज करेंगे डेफिनेटली मुझे लगता है उनका ग्रोन अप हो जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्पॉन्सरशिप वगैरह ले लिया क्या इस बुक का? भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस बुक से बेनिफिट मिला, तो मैं जस्ट आपको रिफर कर रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, आप लोग भी अपनी दिवाली अच्छी करिए,
और कुछ और भी क्वेश्चन है आपके तो प्लीज कमेंट किया करो। कमेंट करने से पता है क्या फायदा होता है कि जब मैं देखता हूँ कि अच्छा ये कमेंट आ रहे हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन लोगों को चाहिए, इसके सोल्यूशन चाहिए, तो अपने लिए हेल्प होता है कि चलो नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पर बनाते हैं। इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट निकालिए, ठीक है, वॉच तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिख भी दीजिए आपको मेरा अप्रिसिएशन, जो भी मेरा काम वगैरह अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जितने भी लोगों ने इसको बुक को खरीदना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये बुक सच में बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग का मन करेगा तो खरीद लेना, नहीं मन करेगा तो बाद में खरीद लेना, लेकिन स्ट्रक्चर में जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये पक्का है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत गाइस।